अक्षय अक्षय ये दिवाली हाउसफुल वाली और अक्षय कुमार वाली. वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज दैट आर. दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त ज्योति नाहक. फाइनली धमाकेदार हाउसफुल का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. धमाकेदार ट्रेलर, धमाकेदार कॉमेडी, फाड़ू इन शॉर्ट अगर मुंबई की लैंग्वेज में बोलूँ, आमची मुंबई की लैंग्वेज में, एक नंबर ट्रेलर आया बॉस, आग लगा डालेगा दिवाली पे. लेकिन ये तो मेरे जज्बात थे, चलिए जानते हैं ऑडियंस के जज्बात कि उन्हें कितना पसंद आया. और फैंस हैं यहाँ पर मेरे साथ कुछ, जो कि बताएंगे आपको कि वो कितना अक्षय कुमार से प्यार करते हैं. तो जानते हैं फैंस की राय कि उन्हें कितना पसंद आया ये ट्रेलर. अक्षय 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 अक्षय. सो ये दिवाली अक्षय वाली. सो इस बार अक्षय कुमार आ चुके हैं फाइनली और पूरी की टीम आई है, पूरी की पूरी फैमिली आई है हाउसफुल 4 की. कैसा लगा ट्रेलर, कितना धमाकेदार लगा ट्रेलर? बहुत बढ़िया लगा. ये वन ऑफ इट्स काइंड ट्रेलर है, इनकार्नेशन कॉमेडी है और इसमें 600 साल पुरानी एक कहानी दिखाई है राजा महाराजा की, फिर 600 साल आगे कर देते हैं. तो ये बहुत ही बेहतरीन ट्रेलर था और बाकी सभी एक्टर और एक्ट्रेस ने बहुत बेहतरीन काम किया है. एक नंबर लगा मुझे ट्रेलर. एक नंबर ट्रेलर. मैम एकदम ऑसम ट्रेलर था. ये हाउसफुल की बहुत ही बड़ी फ्रेंचाइज है और इसमें हर पार्ट में अलग अलग उसके मतलब किरदार की है अलग अलग. और साजिद खान ने भी मतलब बहुत बढ़िया फिल्म है, अच्छी बनाई. ट्रेलर में मतलब सब कुछ अलग दिखाया, मतलब पहले मूवी से कंपेयर किया जाए तो हाउसफुल 1 में कुछ अलग स्टोरी थी, 2 में अलग थी, 3 में अलग थी और अभी जो स्टोरी है वो पूरी अलग है. जो मतलब पास्ट डेकेड का दिखाया, अभी कुछ अलग दिखाया, नया स्टाइलिश जो भी है एकदम आई अपीलिंग है. और इतना इंट्रिक ट्रेलर है, मतलब ट्रेलर आप देखोगे म्यूजिक है, कोरियोग्राफी है, सब कुछ है. मतलब जो भी ट्रेलर एकदम फाड़ू ट्रेलर है. जब भी मूवी दिवाली के दिन आएगी तो धमाल मचाएगी और जो भी कलेक्शन रहेगा अक्षय कुमार का सब कुछ क्रॉस कर जाएगा. ये हाउसफुल, ये जो है हाउसफुल जो फ्रेंचाइजी है वो अनदर लेवल पे लेके जाती है बॉलीवुड को. अनदर कॉमेडी के बारे में तो सबसे बढ़िया हाउसफुल फ्रेंचाइजी. अक्षय सर ने तो धमाल मचा दिया है, बहुत बढ़िया धमाल कर दिया. बहुत बढ़िया ट्रेलर था, हम सबको अच्छा लगा. कॉमेडी और जो बाकी लोगों ने किरदार अच्छे बहुत अच्छे निभाए हैं. और हम अक्षय सर के बहुत बड़े फैन हैं, हम स्पेशली उनको मिलने के लिए गुजरात से आए हैं. थैंक यू, लव यू अक्षय कुमार. लव यू सर. ट्रेलर ही इतना अच्छा है तो पिक्चर तो अभी बाकी है. पिक्चर भी बाकी है, ट्रेलर इतना बढ़िया बनाया है तो पिक्चर तो धमाल करेंगी. कोई लोग बोल रहे 200, मैं तो उसके भी ऊपर जाने वाला हूँ 200 के. एक शायरी सोचिए, ट्रेलर इतना अच्छा है तो पिक्चर तो धमाल करेगी. सब बोल रहे 200 पर, ये तो 500 से भी ज्यादा का बवाल करेगी. रिकॉर्ड टूटने वाला है अभी दिस दिवाली. हाँ, बाहुबली का रिकॉर्ड टूट सकता है. वो भी टूट सकता है, टूटने वाला है अंकल. टूट सकता है, एने आ गया उसमें. पॉजिटिवली आई थिंक इट वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दी अदर हाउसफुल 1, 2, 3. सो बहुत एक्साइटेड था हम. वी आर फ्रॉम दी पुणे एंड हम कॉल आया कि अक्षय सर बुला रहे हैं. एक्चुअली लास्ट टाइम हम केसरी के लिए आए थे स्क्रीनिंग के लिए, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं इस बार कि अब देखेंगे दिवाली के लिए. इससे बढ़िया तो और कोई ट्रीट हो ही नहीं सकती फैंस के लिए. एंड ये दिवाली अक्षय वाली, डेफिनेटली अक्षय वाली दिवाली. एंड वी आर एक्सपेक्टिंग लॉट ऑफ मोर फ्रॉम अक्षय सर अपार्ट फ्रॉम दिस हाउसफुल. और भी आने वाली फिल्में हम काफ़ी एक्साइटेड हैं. जब भी जैसे सर ने बताया कि उनका बर्थडे होता है, कुछ भी होता है, तो हम एक यूनिक वे से सेलिब्रेट करते हैं. जो कैंप्स है, डोनेशन कैंप्स है, कुछ ट्री प्लांटेशन जैसे उन्होंने मेंशन किया, बस कोशिश करते हैं कि हर बार कुछ यूनिक करें ताकि वो रिकॉग्नाइजेशन करे. डेफिनेटली आपको भी अगर रिकॉग्नाइजेशन मिलता है तो अच्छा लगता है. और हमेशा वो उनके ट्वीट में या कोई भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं तो डेफिनेटली हमारे ग्रुप का नाम लेते हैं. और बहुत अच्छा लगा और वी आर वेरी ग्रेटफुल एंड थैंक यू फॉर दैट. वी आर वेरी ब्लेस्ड दैट वी आर फैन ऑफ अक्षय कुमार. अक्षय के कैरेक्टर के लिए एक्साइटेड हो या फिर बाकी के जो लोग हैं, जैसे बांगड़ू का कैरेक्टर, मुझे बांगड़ू का कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग लग रहा है. आपको कौन सा लग रहा है? मुझे अक्षय सर भी अच्छे लगे और रितेश देशमुख सर भी अच्छे लगे, दोनों का एक नंबर. मुझे तीनों महारानियों का जो वॉरियर वाला कैरेक्टर दिखाया वो बहुत पसंद आया. रितेश देशमुख क्यों ऐसा? वो कहीं से भी कुछ भी निकाल देते. अक्षय कुमार सर के बारे में कहना कुछ भी नहीं है, अक्षय कुमार है तो सब कुछ है. और बाकी फिल्म को भी, सभी को, जो हीरोइंस है, अदर कैरेक्टर, उनको भी अच्छा तरीके से उन्होंने रोल दिया गया है. और अक्षय कुमार रहने के बाद वो पिक्चर सुपर डुपर हिट होना ही है. और बहुत सालों बाद कॉमेडी फिल्म आई है और दिवाली में लोगों को अगर जाना है तो कहाँ जाएंगे? हाउसफुल 4 ही जाएंगे. इस बार दिवाली होंगी हाउसफुल. एक बात बोलना चाहूँगा, अक्षय सर तो ही है पर इसमें सबसे मेन कैरेक्टर, जब अक्षय अभी 100 तक है तो 99 है उसमें चंकी पांडे, उसके बिना ये फिल्म नहीं है. हाँ, मम्मा मिया वो है तो फिल्म है. वो अक्षय सर ने सर बोला वो पसंद आया. हाउसफुल 1 से लेकर हाउसफुल 4 तक चंकी पांडे है,
मम्मा मियाँ, इसके साथ रितेश देशमुख का कैरेक्टर भी अच्छा है और बॉबी देओल का भी नया लॉन्च हो गया फिल्म इंडस्ट्री में और ब्रेक और एक टाइम मिल गया उनको इस दिवाली हाउसफुल भारी। ये जो सारी जो एक्ट्रेसेस हैं जो कृति हो गई या पूजा हेगड़े हो गई ये कम्प्लीटली दे आर न्यू इन दिस ये फ्रेंचाइज में वो न्यू है हाँ फोर्स में सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी हाउ दे आर उन्होंने वो कैरेक्टर को कितना एकदम ये किया है जस्टिफाई किया है वो मैं देखना काफ़ी पसंद करूँगा। और जैसे कि शायद और ये भी बात बड़ी है कि आधा तो साजिद खान ने किया था आधा फराज सामजी ने किया है तो ये उनका स्क्रीन प्ले किस तरह से किया है एग्जैक्टली क्या अलग है प्रीवियस से इस बार ये काफ़ी देखने का मज़ा आएगा। अच्छा अगर मैं पूछना चाहूँ री इंकारनेशन का टॉपिक है इस बार यू नो पुनर्जन्म की कहानी है पुनर्जन्म की स्टोरी है तो बाकी के जितने हाउसफुल के ट्रेलर्स थे उसके कंपेरिजन में ये वाला ट्रेलर ज़्यादा बेटर लग रहा है आप लोगों को? बहुत ट्रेलर देखने के बाद एक ही क्वेश्चन था अभी बीच में उन्होंने सवाल पूछा था कि 600 साल पीछे गए हो तो उस ज़माने में तीर था तलवार था ये था तो मैं ये सोच रहा था उस टाइम कि उस टाइम में अगर बम मशीन गन रनगाड़े तोप रहते थे तो ऋतिक रोशन का जो ताबूत था वो कितना बड़ा था कितना बड़ा करना पड़ता था ये मैं सोच रहा था। बैड लक मुझे माइक नहीं मिला तो मैं वही क्वेश्चन अक्षय सर से और ऋतिक रोशन सर से आप सॉरी रितेश सर से पूछने वाला था। बिल्कुल मैं हाउसफुल वन को सबसे ज्यादा रेट करता हूँ लेकिन ये उससे भी बढ़कर लग रही है उससे भी ज्यादा लग रही है। अच्छा, बहुत लोग ऐसा बोल रहे क्यों ना कि बाहुबली लेवल का इसमें पुराने जमाने का वो सब दिखाया गया तो ऐसा कुछ लगता है मुझे नहीं लगता आपको लगता है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल बिल्कुल नहीं कोई कंपेरिजन डिफरेंट जॉनर्स। हाँ इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि लोगों को जो मास ऑडियंस है उन्हें कॉमेडी बहुत पसंद है और मुझे भी कॉमेडी बहुत पसंद है और कॉमेडी हर किसी को हंसाती है तो ऑब्वियसली ये फ्रेंचाइजी हिट होनी ही है। ये बहुत ही ईपिक है बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है पहले ऐसी कोई भी मूवी ऐसी नहीं बनी हुई ये पहली मूवी है। जाते जाते क्या कहना चाहेंगी ट्रेलर के बारे में? ट्रेलर देखो चार बार देखो पांच बार देखो ट्रेंडिंग में लाओ ये ट्रेलर बस जाते जाते इस फिल्म के लिए कितना एक्साइटेड हो ट्रेलर देखने के बाद फिल्म के लिए एक्साइटमेंट बढ़ गई है? एक्साइटमेंट 10 टाइम्स हो गई है मेरी। अक्षय सर ऐसे ही साल में 4 नहीं 5 नहीं 10 10 मूवी करते रहिए हम आपके लिए हर मूवी देखने के लिए तैयार है। मैं यही कहना चाहूँगा कि अक्षय कुमार जी जो भी फिल्म लाते हैं वो कोई सोशल सोशल उसको टच रहता है कि ये फिल्म सोशल टच से अलग है सभी को कोई ना कोई टेंशन नहीं रहता है। अगर आप टेंशन फ्री होना चाहते हैं तो हाउसफुल 4 जरूर जरूर देखिए। कि इनके शर्ट पे जरा फोकस लिया जाए जूम किया जाए इनकी शर्ट पे और लिखा गया है अक्षय कुमार पुणे फैन क्लब ऑफिशियल। सो ये खिलाड़ियंस हैं तो क्या कहना चाहोगे खिलाड़ी कुमार के बारे में? अक्षय कुमार हमारे सबके लिए एक इंस्पिरेशन एक मोटिवेशन है लेकिन जो फिल्म वो लाते उस फिल्म से जो हम लोग का एंटरटेनमेंट होता है हमारे नहीं पूरे इंडिया का जो एंटरटेनमेंट होता है वो तो बहुत ही बढ़िया रहता है। और ये फिल्म तो मतलब कॉमेडी में एक्शन है रोमांस है सब कुछ है इस फिल्म में ये बाहुबली के तरह बवाल मचा देगी इंडिया। सीधे साधे अक्षय के सीधे साधे फैंस हैं तो जाते जाते ट्रेलर को कितने स्टार्स देना चाहेंगे आउट ऑफ 5? 5 out of 5 बैड लगे कि 5 ही दे सकते हैं नहीं तो नहीं आपके हिसाब से तो 5 ही बोला आपने। इस दिवाली हाउसफुल वाली ओके थैंक यू सो मच। ये क्या है? ये है H, ये क्या है? F, हाउसफुल 4। यस फाइनली हाउसफुल 4 का ट्रेलर तो आ ही गया है। फैंस का रिएक्शन देख लिया, मेरी एक्साइटमेंट देख ली, सब कुछ देख लिया। आप किस चीज़ का वेट करो? आप कमेंट सेक्शन में जाइए, वेट मत कीजिए, मुझे बताइए कि आपको ट्रेलर कितना धमाकेदार कितना फाड़ू लगा। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ। कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ज़रूर बताइए।